राजधानी रायपुर में एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर मशीन से नकदी रकम चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 14 जुलाई को उक्त कंपनी के मॉनिटरिंग टीम से जानकारी मिली है कि रमन मंदिर गली पास फाफाडी चैक थानागंज स्थित एसबीआई एटीएम का शटर जाम हो गया है, जिस पर प्रार्थी जाकर चेक करने पर ज्ञात हुआ कि कोई अज्ञात व्यक्ति एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर मशीन से नकदी 8,000 रुपये को चोरी कर ले गया। वहीं जिस पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थानागंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया। ये पूरा मामला थानागंज का है, जिसमें रमन जो वार्ड है वहाँ पर एक एटीएम था जिस पर छेड़छाड़ हुई थी। जब इसकी सूचना मिली तो उसे काफ़ी बारीकी से चेक किया गया। जब चेक करने पर एक व्यक्ति जो अपने मुंह ढका है ढक कर उसको छेड़खानी कर रहा था, जिससे संबंध में पूछताछ करने पर था कि वो जिला जो कार्यवाहक के पद पर कार्यरत था सुनील गुप्ता, जिसे एटीएम में पूरी जानकारी थी, उसके द्वारा ही उसमें छेड़छाड़ किया गया था, जिसमें लगभग 8,000 रुपये की जो रकम चोरी